पुलिस ने अफीम की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन तस्करों के पास से 14 लाख रुपए की 1 किलो 758 ग्राम अफीम भी बरामद की। ये 3 आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ये सीमांत क्षेत्रों में अफीम की सप्लाई करने का काम करते हैं। खटीमा पुलिस ने अफीम तस्करों के खिलाफ ये कार्रवाई की। क्राइम SP चंद्रशेखर घोरके ने बताया कि ये 3 तस्कर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के रहने वाले हैं। इनके नाम धर्मेंद्र कुमार, पंकज शुक्ला और हरीश कुमार है। ये उत्तर प्रदेश से अफीम की खेती लाकर उधम सिंह नगर के सीमांत क्षेत्रों में सप्लाई करने का काम करते थे। मुखबिरों की सूचना के आधार पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से 14 लाख रुपए की अफीम भी बरामद की है। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। आज थाना खटीमा द्वारा एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए लगभग 1 किलो 758 ग्राम अफीम हमने 3 अभियुक्तों से गिरफ्तार की है। 3 अभियुक्त जो है धर्मेंद्र कुमार, पंकज शुक्ला और हरीश कुमार, ये शाहजहांपुर और पीलीभीत के निवासी है, उत्तर प्रदेश राज्य के। इन 3 से हमने 1 किलो 758 ग्राम अफीम, एक I-10 कार जिसके द्वारा ये सप्लाई कर रहे थे, और 2 मोबाइल और 1210 रुपए हमने बरामद किए हैं। इस पूरी उपलब्धि के लिए मैं थाना खटीमा की पूरी टीम को बधाई देता हूँ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।